Subscribe to our channel and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from CricTracker. Hi guys, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हो CricTracker. क्रिकेट का क्राउन ले जाने का इंतजार तो 9 मुल्कों की टीम्स कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने ये दिखा दिया कि उनसे वर्ल्ड कप ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. एंड दूसरी तरफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली कहती रह गई कि कीपर पे कीपर, कीपर पे कीपर मिलते रहे कोच साहब, पर नंबर 4 नहीं मिला. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सडनली इस वर्ल्ड कप को लेकर इतने फिल्मी डायलॉग्स क्यों मार रहा हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड कप 2019 एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह ही तो था. इसमें प्यार था, इसमें हार्ट ब्रेक था, इसमें एक्शन था, इसमें रोमांच था. सो वर्ल्ड कप के मैचेस को धमाकेदार, पैसा वसूल, हाउसफुल मूवीज की तरह देखते हुए लेट्स लुक एट द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2019 इन फिल्म फेयर फिल्मी स्टाइल. सबसे पहले शुरू करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ प्लेयर इन कॉमिक रोल. इसके लिए आई थिंक हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा. द क्लियर विनर इज सरफराज अहमद विथ हिज यॉन इन द इंडिया पाकिस्तान मैच. भाई माना कि एक बड़े रेन ब्रेक से वापस आई थी पाकिस्तान टीम फील्ड पे, बट सरफराज को ये मानना चाहिए था कि उन्हें बिलियंस ऑफ लोग टीवी पे देख रहे थे एंड उनके सामने यॉन करना उनको काफी रिस्की पड़ा. अगले कुछ दिनों तक वो बहुत सारे मीम्स का सेंटर पॉइंट बने रहे. अगला अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय प्लेयर इन नेगेटिव रोल, एंड ये हमें देना पड़ेगा अफगानिस्तान के कैप्टन गुलबदीन नाइब को. गुलबदीन नाइब के कैप्टन बनाए जाने से काफी प्लेयर्स पहले से ही नाखुश थे और फिर पाकिस्तान वाले मैच में 46 ओवर में नाइब खुद बोलिंग करने आ गए. नाइब ने उस ओवर में दिए 16 रन एंड अफगानिस्तान वो मैच आसानी से हार गई. गुलबदीन नाइब को सिर्फ अपनी टीम से नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में काफी दिग्गजों से और फैन से बहुत नेगेटिव बातें सुननी. अगला एक टेक्निकल अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग्स एंड जो जाएगा इयान स्मिथ को. नथिंग कुड मैच द इंटेंसिटी एंड पैशन जो इयान स्मिथ ने दिखाया, स्पेशली न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल और फाइनल मैच में. फाइनल में उनका बेस्ट डायलॉग था जब उन्होंने बेन स्टोक्स के बैट से लगे ओवरथ्रो चौके को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि वीव सीन अ लॉट ऑफ सिक्सेस इन दिस वर्ल्ड कप बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन हैज बीन द वन व्हिच हैज गॉन अलोंग द ग्राउंड. व्हाट एन अमेजिंग लाइन इन सच अ क्रंच मोमेंट. अगला अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ प्लेयर एज अ डेब्यूटेंट ये जाएगा जोफ्रा आचर को. जोफ्रा आचर ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो अपने पहले स्पेल में बाउंसर डाली आमला को, दैट वाज द परफेक्ट अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल. उन्होंने पहले आमला को इंजर किया, फिर मिडिल ओवर्स में आके मार्क्रम को आउट किया, फाफ दू प्लेजी को आउट किया एंड वैंडर डसन को आउट किया. कुडंट हैव एक्सपेक्टेड अ बेटर डेब्यू फ्रॉम सच अ टॉक्ड अबाउट प्लेयर. फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ प्लेयर इन सपोर्टिंग रोल ये अवार्ड जाएगा मिचेल सैंटनर को न्यूजीलैंड से फॉर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया इन द सेमीफाइनल. मिचेल सैंटनर ने 6 ओवर का स्पेल डाला जिसमें उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेट्स लिए. दोनों बहुत ही अच्छे स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के. वो स्पेल था जिसने आई थिंक इंडिया के फेट को उस वर्ल्ड कप मैच में काफी हद तक सील कर दिया. एंड देन ऑफ कोर्स द अवार्ड फॉर द स्टार प्लेयर ऑफ वर्ल्ड कप 2019 हैज टू गो टू शाकिबुल हसन. शाकिबुल हसन ने 606 रन बनाए नंबर 3 पर बैटिंग करके, 11 विकेट्स लिए, 3 बार मैन ऑफ द मैच बने एंड इंटरेस्टिंगली वो ही 3 मैचेस है जो बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में जीती. शाकिब वो सो गुड एंड सो कंसिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड कप कि उनका लोएस्ट स्कोर एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 41 था. सो द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ बैट्समैन इन लीडिंग रोल टू रोहित शर्मा फॉर हिज 120 नॉट आउट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. रबाडा एंड मॉरिस इन टॉप फॉर्म, बैटिंग वॉज नॉट ईजी. इंडिया ने अपना पहला विकेट जल्दी लूज कर दिया बट रोहित curbed his natural instinct. उन्होंने स्लो स्टार्ट किया, विकेट पे टाइम स्पेंड किया एंड एंड तक इंडिया को विनिंग स्कोर तक लेके गए. कमिंग टू द सेकंड लास्ट अवार्ड, द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ बोलर इन लीडिंग रोल विल गो टू लसित मलिंगा फॉर हिज मैच विनिंग 4 विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड. मलिंगा जिन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था बिफोर दिस मैच, उन्होंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया है, ही इज नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एनीमोर. उन्होंने दिखा दिया दैट क्लास इज परमानेंट. उन्होंने पहले ओपनिंग ओवर्स में जेम्स विंस और जॉनी बेस्टो को आउट किया, फिर मिडिल ओवर्स में आके जो रूट का विकेट लिया एंड फिर जो स्लोअर बॉल पे उन्होंने जॉस बटलर को डिसीव किया, दैट वाज प्योर स्मार्टनेस एंड एक्सपीरियंस. सो दैट्स इट फ्रॉम अस विद द वर्ल्ड कप अवार्ड्स. आई होप आपको हमारे अवार्ड्स इंटरेस्टिंग लगे, फन लगे. और कोई मजेदार अवार्ड्स हैं इस वर्ल्ड कप के जो आपको लगता है प्लेयर्स को दिए जाने चाहिए, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड फॉर मोर सच आउट ऑफ द बॉक्स एनालिसिस ऑफ द अपकमिंग क्रिकेट मैचेस, कीप फॉलोइंग आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट.